मैं आपके फोरम के माध्यम से केंद्र सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि पूर्वांचल को, जो बरसों से पूर्वांचल के लोगों की मांग है, एक विशेष पैकेज दी जाए। इससे यहाँ पर लघु व्यापारी, मध्यम वर्गीय व्यापारी और छोटे व्यापारियों को रोजगार करने में प्रोत्साहन मिल सके। दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में, या जो बजट का समय है, ऑनलाइन आज सबसे बड़ा मुद्दा होता जा रहा है व्यापारियों के लिए। आज व्यापार 60% ऑनलाइन हो रहा है और 40% ऑफलाइन हो रहा है, जिससे व्यापारियों को बहुत दिक्कत आ रही है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर आप इस ऑनलाइन व्यापार को नहीं कम कर पा रहे हैं, तो कम से कम इस तरह की नीति अपनाइए कि जिससे इनके टैक्सेशन में जो अनाप शनाप घोषणा करते हैं, 60%, 70%, 80%, इनकी एक लिमिटेशन कर दी जाए कि भाई आप अपने प्रोडक्ट में 20%, 25% से ज़्यादा घोषणा नहीं कर सकते, कि जिससे कि सभी व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को, लघु व्यापारियों को, मध्यम व्यापारियों को, जो सरकार की रीढ़ की हड्डी है, FDI में जिसका अमूल्य सहयोग है, उसको भी व्यापार किया जा सके। नहीं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, आने वाले समय में लाखों शटर गिर जाएंगे। बहुत से शटर तो गिर चुके हैं, व्यापार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। रोजगार की, बेरोजगारी की, आर्थिक व्यवस्था सारी चौपट हो जाएगी। व्यापारियों को इस बार बजट से बहुत उम्मीद है सरकार से। कोरोना काल के एक साल के कार्यकाल के बाद आने वाला ये बजट है, जो कि इलेक्शन से पूर्व एक तड़का लेके आएगा, ये उम्मीद कर रहे हैं व्यापारी, जो कि बहुत त्रस्त है। कैश फ्लो बहुत कम है, सरकार रेपो रेट बढ़ा रही है। इन सबों को मद्देनजर रखते हुए व्यापारी बड़ी उम्मीदों से सरकार की तरफ देख रहा है। मेरी बजट से इतनी ही उम्मीद है कि हमारे व्यवसायी व्यापारी भाइयों को कुछ कंप्लायंस, कुछ प्रोसीजरल रिलीफ मिल जाए, कुछ GST के असमंजस में जो फंसे रहते हैं उससे आराम मिल जाए, और बाकी सभी सेक्टर्स को, वेतन भोगियों को और गरीबों को जो मेडिकल एक्सपेंस के लिए परेशान है, उनके कुछ दरों में आराम मिल जाए, कुछ डिडक्शन उनको और मिल जाए, जिससे एक व्यवसाय को भी प्रोत्साहन मिले और आम आदमी की जरूरतें भी पूरी हो सके, रेंज में रहकर टैक्स प्लान के दायरे में रहकर। बजट के बारे में बहुत ही अच्छा आप लोगों का प्रयास है, और हम सभी इस बात इस उम्मीद में हैं कि जो नया बजट फरवरी में आने वाला है वो बेनिफिशियल होगा और उपभोक्ताओं को और आम जनता को राहत देगी। जो टैक्सेशन का ATCC का है, उसको अपग्रेड करें और बजट में चिकित्सा से जुड़ी हुई चीज़ों की सुविधा आम जनता को, सीनियर सिटीजन्स का भी ख्याल रखें, और आम राहत देने के लिए चिकित्सा और शिक्षा इन चीज़ों पर, कुछ रिबेट और फीस और इन चीज़ों पर इकरा व्यवस्था बनाना और स्लैब बढ़ाने का काम करना। स्लैब की आवश्यकता है, इसलिए जो पुरातन परंपरा में आ रही है 1.5 लाख रिबेट करने में, ये मानदंड पर कसौटी पर खराब नहीं करना। आज की भीषण महंगाई में एक आम आदमी 50,000 रुपये प्रति महीने के नीचे अपने परिवार की भरण पुष्टि मिली करती है, और सामान्य नीचे का तबका और जटिल स्थिति में है, अपर क्लास को ऊपर हाई क्लास है, उनको किसी चीज़ का परेशानी नहीं है, वो संभावित चीज़ों को ऊपर नीचे करते हैं। इसमें सर्वप्रथम तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो अभी हम लोगों को टैक्स में छूट मिलती थी, जो हमारे परचेजर थे उनको 1.5 लाख की छूट मिलती थी, उसके लिए हम लोगों ने सरकार से निवेदन किया है कि उस छूट को बढ़ा के 5 लाख किया जाए, जिससे कि उसका सीधा लाभ जो नौकरी पेशा हैं उनको मिलता रहे। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्होंने 2022 तक बिल्डरों को पूरे इनकम टैक्स में छूट दी थी, जिसे समाप्त कर दिया है, जिसके लिए भी हम लोगों ने निवेदन किया है कि इस छूट को 2025 तक बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा आज के दिन रियल इस्टेट उद्योग से करीब करीब 200 मैन्युफैक्चरिंग उद्योग साथ में हैं, तो GST की दर जो कि 28% और 18% है, इसको भी कम किया जाए, जिससे कि मकान सस्ता पड़े और सीधा सीधा लाभ मकान खरीदने वालों को पड़े। यही हम लोगों की योजना है, यही सरकार से हमारा निवेदन है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।